सुरखी थाना क्षेत्र के फुलहर एसएसबी कैंप में वर्षों से लंबी जमीन का गुरुवार को दिन अधिग्रहण किया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले पूर्व में अधिग्रहित जमीन का मीन के द्वारा नापी करवाया गया, इसके बाद तार से घेराबंदी की गई। इसी क्रम में स्थानीय कुछ रेत किसानों ने घेराबंदी पर आपत्ति भी जताई, लेकिन बीडीओ ने रेत किसानों से लिखित आवेदन लेकर उनकी आपत्ति को वरीय अधिकारी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बीडीओ ने बताया कि यह मामला 2017 ईस्वी से ही चल रहा है। कैंप के लिए कुल 3 एकड़ जमीन दिया गया है, लेकिन कुछ रैयत किसानों के द्वारा मुआवजा दर को लेकर विवाद उत्पन्न किया गया, जिसके बाद मामला को फिर से शांत किया गया। बावजूद कैंप को 1.74 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई थी, आज शेष 1.26 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर घेराबंदी किया जा रहा है। इस दौरान एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट संतोष निमोड़िया, इंस्पेक्टर सुनील दत्त कर्नेल चंद के साथ मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्ति स्थानीय बीडीओ सह सीओ रविशंकर पटेल, हरलाखी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, पीओ कृपया शंकर झा, बीसीओ सतीश प्रसाद, थाना के एसआई लक्ष्मी पांडे, सीआई प्रमोद मंडल, भोजन अमीन, कमलेश कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, अंचल अमीन, दीपक कुमार, राजस्व कर्मी राम बाबू झा, विकास कुमार सहित दर्जनों पुलिस बल व एसएसबी के जवान मौजूद थे। भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, क्या इस संबंध में थोड़ा सा? देखिए, जिला अधिकारी जो महोदय हैं, डीएम सर के निर्देश के आलोक पर ये काम हम लोग किए हैं। और 3 एकड़ लैंड बेसिकली एसएसबी कैंप के लिए दिया गया था, जिसमें 2 एकड़ लैंड ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए थे। एसएसबी लोग के जवान 2 एकड़ लैंड में रह रहे हैं। बचा हुआ एक एकड़ लैंड जो है वहाँ पे सीमांकन करवाना था, तो डीएम सर के निर्देश के आलोक पे यहाँ पे हम लोगों ने सीमांकन किया। और स्थानीय जो भी लोग हैं, जो लोग भी जितने भी लोग हैं, लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे उनका सहयोग किया। किसी भी तरह का कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। और कुछ लोगों की जो मांग है, मुआवजे बोर्ड की मांग है या अन्य मांग है, उसको हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों के ब्लॉक कार्यालय में दे दें, अंचल कार्यालय में जमा कर दें, और उनकी जो मांग है वो डीएम सर तक या जो सरकार के स्तर तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे कितने किसान हैं जिनको मतलब आपत्ति है यहाँ? लगभग 15-16 के आसपास जो है किसान हैं, लेकिन 4 किसान अभी ऐसे आए हैं जो माननीय कोर्ट में भी बोले हैं कि मैटर गया है। तो ठीक है, उसकी स्थिति जो भी है देखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहूँगा, चूँकि ये लोग उच्च न्यायालय में गए हैं। जी जी, तो माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उनके आलोक में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, कल देश से सब आए थे। हाँ, अभी तुम आए हुए थे। हाँ, 370 फीट देखिए तो अनक्षा पर देखिए 370 है। 45